क्लास 9 आज हम गिरधर की कुंडलियों के प्रश्न उत्तर अभ्यास पुस्तिका में देखेंगे और उसके उनके प्रश्न उत्तर जो हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहली कुंडली जो है कि पहली कुंडली जो हमारी यहाँ पर दी हुई है कि लाठी के गुण के बारे में कहा हुआ है, लाठी में कौन कौन से गुण है बताया है। तो गिरधर कविराय ने लाठी के किन किन गुणों की ओर संकेत किया है? तो कवि गिरधर कविराय ने गिरधर कविराय लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि लाठी में अनेक गुण हैं। सबसे पहले तो लाठी जो है उसको अपने साथ में रखना बहुत आसान है। लाठी को अपने साथ रखने में यह हमारी सुरक्षा तो करती है, इसके साथ ही इसको रखना भी बहुत आसान होता है। अतः इसमें अन्य हथियारों की आवश्यकता नहीं होती है। यह कहीं नदी नाली को पार करते समय शरीर को भीगने से या गंदा होने से बचाती है। इसके सहायता से इसकी गहराई नापी जा सकती है और नदी नाली को आसानी से पार किया जा सकता है। यदि राह में कभी कोई कुत्ता या हिंसक पशु पर हमला करने की कोशिश करे या आप पर भौंके या काटने का प्रयत्न करे तो लाठी की सहायता से उसे डराकर भगाया जा सकता है। और यदि कोई शत्रु सामने आ जाए तो उससे अपनी जान बचाई जा सकती है, अपने जीवन को बचाया जा सकता है उसकी सहायता से, डराकर उसे पराजित करके या अन्य तरीके से उस दुश्मन को जवाब देकर अपनी रक्षा की जा सकती है। तो इस तरह से जो अन्य हथियारों की अपेक्षा लाठी में इस तरह के गुण है कि इसको लेकर चलने में वो एक नहीं अलग अलग तीन तरीके से सहायता करती है और इसको रखने में, अपने साथ रखने में किसी तरह की कोई परेशानी भी या खतरा भी नहीं होता है। लाठी हमारी किन किन स्थितियों में सहायता करती है? तो अभी हमने इसी में पहले वाले प्रश्न में ही देखा था कि नदी नाले को पार करने में उसकी गहराई नाप कर उससे अपने अंग को सुरक्षित किया जा सकता है। कोई कुत्ता जो है वो अगर झपटता है तो लाठी की सहायता से उसे डराकर या उसको भगाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर कोई शत्रु चुनौती देते हुए आक्रमण करता है तो लाठी की सहायता से उस शत्रु से अपनी रक्षा की जा सकती है। तो इसलिए कविराय यह सलाह देते हैं कि लाठी जो है, एक लाठी कई तरह से काम देती है। अतः कहीं भी जो यात्रा करते समय जो यात्री होते हैं, पहले के समय में लोग पैदल यात्रा किया करते थे, इसलिए उनको ये सलाह देते हैं कि यात्रा करते समय अपने साथ में लाठी रखिए। आज आप अगर बस से या ट्रेन से जाते हैं तो आपको लाठी, या एरोप्लेन से जा रहे हैं तो आपको लाठी रखने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको नीचे उतार दिया जाएगा। लाठी को नहीं, बस वो जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए एक डंडा होता है, छड़ी होती है जिसको सहायता से वो चल सकें, बस उतनी ही है, लाठी लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। आगे ग प्रश्न है कि कवि सब हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी रखने की बात कर रहे हैं, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने जिस समय ये हथियार, पहले तो ये कि कवि सब हथियारों को छोड़कर लाठी रखने की बात कर रहे हैं, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? तो कालांतर में इसकी आवश्यकता रहती थी, लेकिन वर्तमान में, कालांतर में जब व्यक्ति पैदल यात्रा किया करता था और यात्रा की अन्य सुविधाएं नहीं थी
यात्री इन सब चीज़ों को लेकर चलता और उसे किसी भी तरह के दूसरे तरह के हथियार, तलवार या अन्य रखने की आवश्यकता नहीं थी अपनी सुरक्षा के लिए। केवल एक लाठी की सहायता से वो बहुत सारी चीज़ें इनसे बचाव कर सकता था, खुद की सुरक्षा कर सकता था। आज के वर्तमान समय में इस लाठी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बसों से, ट्रेनों से, हवाई जहाज़ से या टैक्सी बुक करके हम यात्रा करते हैं, जाते हैं, तो उस दौरान लाठी रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं होती है, उस समय का समय नहीं रहा है। अतः समय के अनुसार, तो आज के समय के अनुसार कवि की इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, कालांतर में जब व्यक्ति पैदल यात्रा किया करते थे तब ये उनके लिए ठीक था। आप इस तरह से उनका उत्तर कर सकते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है शब्दार्थ, लिखिए नारी। नारी यहाँ पे नारी के लिए नहीं, स्त्री के लिए नहीं है, नाली के लिए है, ठीक है। और तो नारी का अर्थ हो गया स्त्री, ए सॉरी नाली। उसके बाद में यहाँ पर है दूसरा शब्द है दावागीर। तो दावागीर यानी चुनौतीपूर्ण होता है, दावागीर यानी चुनौती देना। और तीनों यानी तीनों, यहाँ पे तीन कौन कौन सी बातें, नदी नाली है, कुत्ता है और शत्रु के लिए कहा है, तो तीनों यानी तीनों। छांडी यानी छोड़ना, छाणी यानी छोड़ना। ओके बच्चों, तो चार तो ये हो गए। अगला है कमरी थोरे दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। कह गिरधर कवि राय, मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि छोटी सी जो कमरी है, कवि इसमें पहला क प्रश्न है कि छोटी सी कमरी हमारे किस किस काम आती है। तो यहाँ पे है कि छोटी सी कमरी जो है हमारे बहुत सारे काम आती है। कवि के अनुसार यदि हम मलमल जैसे हल्के कपड़े अंदर मलमल जैसे कपड़े पहने और ऊपर से कमरी कि जो मलमल वगैरह जो है, कीमती मलमल, ये एक बहुत कीमती कपड़ा होता है, तो हम इस कीमती कपड़े को उसमें बांध कर सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि बरसात के दिनों में या अन्य दिनों में इनमें मलमल में कीड़े नहीं रख सकते, इसलिए वह उसकी कीमत को बढ़ाता है। कमर में बांध के अगर हम रख लेंगे तो वो उसकी कीमत को बढ़ाता है। दूसरी वो कहते हैं कि अगर हम जब कभी राह में चल जाते हैं, कहीं यात्रा पे निकलते हैं, तो इसको छोटी होने के कारण इसको अच्छे से लपेट कर अपने पे मुट्ठी बांध कर अपने साथ में रखा जा सकता है, और रात को बिछा कर कहीं पर भी विश्राम किया जा सकता है। इसको अपने साथ में लेकर आने जाने में किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, बहुत सस्ती होती है। सस्ती होने के कारण इसको कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने साथ, कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है। और ये रात में बिछाने के काम आ जाती है। इसी तरह से जो इसकी ये विशेषता है कि ये थोड़े से कम में पैसे में तो मिलती है, हल्की और छोटी होने के कारण इसे हर समय अपने साथ रखा जा सकता है। इस प्रकार यह बहुत उपयोगी है। आगे उन्होंने कहा है कि गिरधर कवि राय के अनुसार कमरी में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो कमरी में बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें देखें तो कि जो कमरी है वो क्या है कि एक तो वो बहुत सस्ते मिल कमरी की यह विशेषता है कि यह बहुत सस्ती होती है और इसे कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, बहुत कम पैसों में ये मिलती है।
और ये मलमल जैसे कपड़ों की सुरक्षा करती है। अगर मलमल के कपड़े को इसके अंदर लपेट कर रख दिया जाए तो यह उसकी कीमत को और बढ़ाती है, यानी कि उसे सुरक्षित रखती है और उसमें उसे ख़राब नहीं होने देती है। तीसरा ये है कि कहीं यात्रा पे अगर निकलते हैं तो इसको अपने साथ में रखना बहुत आसान है। छोटी होने के कारण इसे आसानी से मोड़ कर रखा जा सकता है, और जब रात्रि होती है तो रात में इसको बिछा कर इस पर विश्राम किया जा सकता है। तो एक छोटी सी कमरी जो है वो बहुत सारे चीज़ों के काम आती है। तो बच्चों आप इतने करिए, और इसके बाद के बाकी का जो है वो मैं अगले ऑडियो में आपको वीडियो में भेजूंगी। फिलहाल ये इतने प्रश्नोत्तर आप करिए, अपना ध्यान रखें और काम पूरा करें।